उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले तकरीर की, 45 मिनट पूरी पाकिस्तानी कौम के दिमाग की चटनी बनाई और हासिल वसूल खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी प्लास्टिक का और मरा हुआ, कोई हासिल वसूल नहीं। और मैं हैरान हूँ, बिलावल जरदारी साहब इस वक्त 21वीं या 22वीं दफ़ा लॉन्च होने के लिए लाहौर आए हुए हैं, लॉन्च कर कर के थक गया है आसिफ जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी की क्यादत, लेकिन इनकी लॉन्चिंग नहीं हो पा रही। दुनिया का फुसफुसा तरीन रॉकेट लॉन्चर भी हो, उसको पहली दफ़ा चलाओ तो वो रॉकेट लॉन्चर चल जाता है, लेकिन बिलावल जरदारी साहब बेचारे इनकी लॉन्चिंग करा करा के थक गए हैं पंजाब के अंदर भी और हर जगह, लेकिन वो कामयाब और कामरान नहीं हो पा रही। हाँ, एक चीज़ के अंदर उनकी कामयाबी है, बिलावल जरदारी साहब ने अपने सीने पे बचपन में ही करप्शन का तमगा इम्तियाज सजाया, और इनके वालिद साहब ने बचपन में जनाब तमगा इम्तियाज अपनी सीने पे करप्शन का, टकेमारी का, कत्तोगारतगरी का, टीटीस का, जाली अकाउंट्स का, जाली कंपनियों का वो सजाया है। इसके अलावा बिलावल जरदारी साहब इससे आगे नहीं जा सकते, और बिलावल जरदारी साहब से मेरी गुजारिश है कि आप पंजाब, केपीके और बलोचिस्तान और खसूसन पंजाब, यहाँ पर जितना मर्जी भाग लें, जितना मर्जी उछल लें, जितना मर्जी सियासी उछल कूद का शिकार हो जाएं, जितनी मर्जी दफ़ा लॉन्च हो जाएं, आपकी मिसाल वही है पंजाब के अंदर कि पानी में मधानी, पानी में जितनी मधानी चलाओ हासिल वसूल बुलबुले, और वो बुलबुले फौरन एक सेकंड के अंदर छुस फुस करके जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। वजह उसकी ये है कि पूरी पाकिस्तान में अमूमन और पंजाब की आवाम ने खसूसन आपको रिजेक्ट कर दिया है, आपके वालिद साहब और आपकी लाजवाल अनथक करप्शन और बदयानती की वजह से। इस वजह से यहाँ से आपको कुछ हासिल वसूल नहीं होने लगा, आपके पास सिर्फ रह गया अंदरून सिंध के चंद अज़ला। इंशाल्लाह अगली दफ़ा पीटीआई इंशाल्लाह आपको वहाँ से डिफीट करेगी, कराची, हैदराबाद और शहर से आपके हाथों से पीटीआई ने ले लिए, अगली दफ़ा सिंध भी आपसे इंशाल्लाह लेंगे, क्योंकि आप सुधरने को नहीं आ रहे, आपकी करप्शन और कत्लोगारतगरी वैसी की वैसी है। अज़ीज़ मेमन की रूह जो है वो पुकार पुकार के वहाँ पे तलाश कर रही है कि मुझे क्यों मारा गया, मैंने तो सिर्फ बिलावल जरदारी साहब के ट्रेन मार्च के जाली शुरका और जो पेड शुरका थे उनको एक्सपोज किया था, और वहाँ पे उसकी ज़बान बंद कर दी गई। आप तो कत्लोगारतगरी, गुंडागर्दी, करप्शन और बदयानती के बेताज बादशाह हैं, आपकी इसी बेताज बादशाही की वजह से पाकिस्तान की आवाम ने आपको रिजेक्ट किया है, और इंशाल्लाह आप पंजाब के अंदर जितनी दफ़ा भी लॉन्च होंगे आपकी मिसाल, आखिरी बात करूंगा, बिलावल जरदारी साहब की मिसाल बिल्कुल उस शुरली जैसी है। दो किस्म की शुरलियाँ होती हैं, एक शुरली होती है उसको आग लगाओ तो सीधी आसमान पे जाके फटती है, एक शुरली होती है वो डिफेक्टिव शुरली होती है, उसको नीचे से आग लगाओ तो वो ज़मीनों ज़मीन लोगों की जो है वो शलवारों में घुसने की कोशिश करती है, वो फुसफुसी शुरली होती है। बिलावल जरदारी की मिसाल उस फुसफुसी शुरली वाली है, जितनी दफ़ा उसको लॉन्च करोगे वो डिफेक्टिव ही रहेगी, और वो ज़मीनों ज़मीन जो है ना वो अपनी पीपल्स पार्टी वालों की जो है ना वो चलवारों के अंदर घुसने की कोशिश करेगी। यहाँ से हासिल वसूल बिलावल जरदारी साहब को कुछ नहीं होने लगा। बहुत शुक्रिया चौहान साहब, ये बताइएगा कि आप लोगों ने बातों से इतना जोर लगाया कि नवाज शरीफ को वापस लाया जाए, पीटीआई गवर्नमेंट ने, नवाज शरीफ से दूर के बाद शहबाज शरीफ नहीं आ रहे, अब और कितना जोर लगाना है आप लोगों ने? देखें जी, शहबाज शरीफ साहब जब इसकी गारंटी दे रहे थे तो मुझे वो लतीफ़ा याद आ रहा था जब वो नवाज शरीफ साहब की गारंटी अदालत के अंदर बैठ के दे रहे थे, जी मैं गारंटी देता हूँ जी मेरे बड़े भाई नू जान दो, तो मुझे वो लतीफ़ा याद आ गया। एक दफ़ा एक बंदे था, उसको बीमारी थी एक की जगह दो दो दिखने की, वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब मनो एक की जगह दो दो दिखाई देते हैं, आगे डॉक्टर उसको कहता तुम तीनों को यही बीमारी है, वो आगे डॉक्टर को एक ही जगह तीन तीन नज़र आते थे। अब देखे किसने गवाही दी, शहबाज शरीफ साहब ने, किसकी दी, नवाज शरीफ साहब दी, एक करेला दूसरा नीम चढ़ा। तो कहने का मकसद ये है, अब हमारी बदकिस्मती है, लेकिन इंशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला से खादम आला से जनाब इस वक्त इश्तिहारी आला के मनसब पे फाइज हो चुके हैं, और मैं फवाद चौधरी साहब की इस बात से 100% एग्री हूँ कि इनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन के अंदर रेफरेंस दायर होना चाहिए कि ये कायदे हज़ब इख्तलाफ की हैसियत से हर किस्म की चीज़ें इंजॉय कर रहे हैं और पाकिस्तान से भागे हुए हैं। तो क्या कहेंगे आपके इत्तेहादी आपके साथ ही हैं, जो मसला
देखें जी, मौलाना साहब की जहाँ तक बात है, मौलाना साहब को मैं कहूँगा माशाल्लाह आलम दीन कहलाते हैं अपने आप को। मोमिन एक शराब से एक दफ़ा डसा जाता है। मौलाना इनसे डसे जा चुके हैं। अभी लास्ट टाइम जो इन्होंने इवेंट किया और उसके बाद अब ये कहते फिरते हैं मेरे दिल के टुकड़े हज़ार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, और जो दर्द दिया अपनों ने दिया, गैरों से शिकायत कौन करे। तो अब ये दोबारा अगर इन पर एतमाद करेंगे तो फिर उसके बाद इनकी हालत तो फिर बड़ी अजीब व गरीब होगी। और इंशाल्लाह इस दफ़ा ये नाकाम होने के बाद मेरी तौबा की जाओ कवालियाँ पढ़ेंगे और फिर एक कवाली और भी पढ़ेंगे। मैं कहनू दसा है राज दियाँ गल्ला, हर पॉलिटिशियन के कान में जाके जाना ये कवाली गुनगुनाते फिरेंगे। तो मेरी मौलाना फजल रहमान साहब से गुजारिश है, कोरोना वायरस के खिलाफ जद्दोजहद करें, एक पॉजिटिव और एक इफ़ेक्टिव जद्दोजहद करें, ताकि उलमा के हवाले से भी एतमाद बहाल होगा पाकिस्तान की आवाम का, और आपके हवाले से भी पाकिस्तान की आवाम का शायद कोई एतमाद बहाल हो जाए। तो जहाँ तक MQM की बात है, तो जमहूरियत है, हर कोई हर किसी से मिल सकता है, कोई किसी को नहीं रोक सकता। तो 100 दफ़ा मिले इंशाल्लाह। आपने जरूर पंजाब की बनाने की बात की थी, लेकिन वहाँ पे सेक्रेटेरिएट पे झगड़ा पड़ा हुआ है, ये बताएं कि बनेगा नहीं बनेगा? देखिए मैं हैरान हूँ कि यहाँ पे वो नाम नेहाद फरजंद अदना अभी थोड़ी देर पहले कह के गए कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट नहीं बन रहा। लुक हु इज़ टॉकिंग। वो खुदा के बंदे अपनी जेब में झांको, तुम्हारे पास तो 2/3 मेजॉरिटी थी पंजाब में भी और वफाक में भी। तुम उन 5 सालों में जनूबी पंजाब नहीं बना सके। तुम उन पाँच सालों में पूरी पाकिस्तानी कौम को और पंजाब की आवाम को और जनूबी पंजाब की आवाम को धोखा देते रहे। हमारे पास तो मेजॉरिटी भी कोई नहीं है, दो तिहाई तो बड़ी दूर की बात। हमारे पास सादा अक्सरियत वफाक के अंदर और सूबे के अंदर बड़ी थिन है, लेकिन उसके बावजूद हम बड़ा सीरियसली इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और उसके ऊपर आज जहांगीर तरीन साहब भी मिले हैं, कल शाह महमूद कुरैशी साहब मिले थे, इमरान खान साहब ने भी इसके हवाले से बड़ी अहम कुछ मीटिंग्स की हैं। और इस दफ़ा के तरक्याती बजट के अंदर भी जो हमने पेश किया था उसमें प्रॉपर जो है वो बजट जनूबी पंजाब से क्रिएट कर रखा था, और इंशाल्लाह जल्द उसका क्या होगा। आखिरी सवाल है, पेट्रोल की कीमतें आज भी मार्केट में कम हो रही हैं, आप अपनी हुकूमत में जब नहीं थे तो कह रहे थे पेट्रोल सस्ता होगी तो वज़ीर आज़म जो है वो चोर होता है, वज़ीर आज़म करप्ट होता है। तो अब क्या हम वज़ीर आज़म को कुछ समझें या हम पेट्रोल को कीमत को कम होता हुआ देखें? और इसी से रिलेटेड है कि आपसे महंगाई कंट्रोल क्यों नहीं हो रही? क्या नहीं, महंगाई कंट्रोल हो गई है, अल्लाह पाक का करम है। पिछले 2.5 महीनों से जना सारी चीज़ें आपकी, जनाब तमाम चीज़ें देख लें, सब्जियों की कीमत जो आप उस आज से 3 महीने पहले आप कहा करते थे कि इतने सुन लेना, सिर्फ एक आप चीनी की बुनियाद के ऊपर एक चीज़ कह रहे हैं, तमाम ओवरऑल कीमतें जो है ना सब्जियों की फलों की वो नॉर्मलाइज हुई हैं। और अभी जब ये पेट्रोल की कीमतें अभी कम हुई हैं, इंशाल्लाह अगले महीने मज़ीद कम होंगी, और वक्त के साथ साथ ये जो साल है, फिर उसके अलावा यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर जनाब सब्सिडीज़ मिल रही है, फिर उसके अलावा जनाब स्पेशल जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की क़यादत में तय हुआ है कि हम जनाब नौजवानों को अकोमोडेट करने के लिए सैकड़ों यूटिलिटी के जना वो दुकानें जना वो इंशाल्लाह खोलेंगे। तो ये इस साल आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तान की इकानमी स्टेबल तो हो चुकी है, माइक्रो लेवल के भी इंशाल्लाह सारे इशूज़ हैं वो सॉर्ट आउट होंगे।